बोल रहे थे तो बोले यार पहली बार सीबीआई के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया है। खड़गे ने जिस तरीके से आपत्ति जताई थी उसके बाद मध्य प्रदेश से भी अब आवाज उठ रही है इस नियुक्ति के खिलाफ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के सहकारिता मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गोविंद सिंह। क्यों आपको लगता है मंत्री जी की नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से हुई है ऋषि कुमार शुक्ला की बतौर सीबीआई डायरेक्टर? जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने करीब एक वर्ष पहले भी लगभग इनकी कार्य क्षमता पर विधानसभा में इनके डीजीपी शुक्ला जब अधिकारी लॉबी में बैठे तब आरोप लगाए थे। मैंने कहा था ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बुजदिल कायर और अक्षम डीजीपी है और ये तो मैं समझता था कि ग्वालियर चंबल संभाग का ये शेर होगा, लेकिन जब अब मैंने देखा है ये भेड़िया शेर की खाल ओढ़े निकला जी। मैंने विधानसभा में कहा था जब वो बैठे हुए थे बहस के दौरान गृह भाग की, एक डेढ़ वर्ष पहले मैं बोल चुका हूँ और आज वैसे ही डीजीपी शुक्ला के रहते प्रदेश में 2 अप्रैल के जात के आधार पर आंदोलन हुए, तमाम लोगों की हत्या हुई, अनुसूचित जात के लोग मारे गए, सामान्य परिवार के लोग भी दुकानें लूटी गई, पूरी तरह से असफल रहा। लगातार कानून व्यवस्था चौपट कर दी इस व्यक्ति ने। जो व्यक्ति एक प्रदेश को नहीं चला पाया उसको पूरे हिंदुस्तान के सीबीआई के बागडोर सौंपना मैं उचित नहीं मानता हूँ। मोदी सरकार ने सीबीआई का प्रमुख बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि व्यापम घोटाले को दबा सके, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को दबाया जा सके और विरोधी दलों के राजनीतिक रूप से जो मोदी सरकार के विपक्ष विरोध में हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए बनाया गया। मैं इसका भारत सरकार के डीजीपी नियुक्ति के लिए विरोध करता हूं और आलोचना भी करता हूं। तो मंत्री जी क्या लगता है आपको कि क्या जब वो सीबीआई डायरेक्टर बन गए तो यहाँ पर जो आपने आरोप लगाया कि वो विरोधी दल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लोकसभा के चुनाव आने हैं 2019 में, तो आपको लगता है कि एक टूल की तरह उनका इस्तेमाल होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले? पूरी तरह से सच्चाई है इस बात को, आज नहीं, मैं तो डेढ़ वर्ष पहले ही विधानसभा में बोल चुका, विधानसभा की कार्यवाही में दस्तावेज में दर्ज है सब। मैंने कहा था अक्षम है, अयोग्य है, बुजदिल है, कायर है, ऐसे व्यक्ति को सीबीआई का प्रमुख बनाना उचित नहीं है। और जब मध्य प्रदेश को नहीं चला सका वो तो मोदी जी ने अपने उपयोग के लिए कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षित करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को दबाने के लिए शुक्ला का उपयोग करने के लिए मोदी जी ने इनको सीबीआई प्रमुख बनाया। बतौर डीजीपी रहते 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, मंदसौर में किसान गोलीकांड और भोपाल का जेल ब्रेक, आपको लगता है कि उसे भी रोक पाने में अक्षम रहे थे? जब मैं तो लगातार कह रहा हूँ, आज नहीं, मैं तो डेढ़ वर्ष पहले जब डीजीपी थे मध्य प्रदेश के विपक्ष में विधायक था कांग्रेस पार्टी के पक्ष की ओर से जब बहस आई तो मैंने स्वयं कहा था कि मध्य प्रदेश इतिहास का कलंक है ये अक्षम आयोग डीजीपी है। ये भी मैंने कहा था, हम समझते थे ग्वालियर का बहादुर, ग्वालियर चंबल का पानी पियो बहादुर शेर है, लेकिन जो तो भेड़िया का खाल शेर, भेड़िया शेर की खाल ओढ़े निकला, जब बैठे हुए थे लॉबी में सुन रहे थे मेरा भाषण। बहुत बहुत बात किए थे मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो कि अब बन गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला उन पर, और उनकी नियुक्ति को पूरी तरीके से गलत बताया है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।